तो फ्रेंड्स वीवो ओएस को हमने यहाँ पे अपने पोको एक्स थ्री NFC डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल ओएस है यानी IQO जो इसकी रोम है उसको हमने अपने पोको एक्स थ्री डिवाइस में इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जितने भी फीचर्स हैं वीवो के वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे ओवरऑल जो लुक है वो आपकी यहाँ पे चेंज हो जाती है। पोको एक्स थ्री NFC डिवाइस जो है वो आपकी वीवो के डिवाइस के साथ यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका लेआउट है सेटिंग्स का, अबाउट फोन का, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 14 यहाँ पे रन कर रहा है, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है, और उसके बाद जितने भी आपको सेटिंग्स के लेआउट हैं वो आपको यहाँ पे जो वीवो के ओएस की तरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिल जाता है, गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे वर्किंग है, और यहाँ पे आप इसको एनेबल करके जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे बूस्ट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4D गेम वाइब्रेशन मिल जाती है, और यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं गेम मोड के तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल ओएस है, ये बेसिकली चाइनीज़ जो वीवो के मोबाइल हैं, IQ के जो मोबाइल हैं उसमें ये इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर है। तो इसको हमने पोको एक्स थ्री NFC डिवाइस में पोर्ट किया हुआ है, ये पोर्टेड रोम है आपके पोको एक्स थ्री NFC डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैटरी बैकअप है वो भी हमें इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो आपको बैटरी का लेआउट है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बैटरी का अगर हम बात करें तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके सेटिंग्स की लेआउट है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी यूनिक है, जो कि हमें किसी और रोम में देखने को नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैंने एंड पे वीडियो पे बताया हुआ कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन और स्टेटस बार की जितनी भी सेटिंग्स हैं और कस्टमाइजेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो आपकी लुक है वो आपको वीवो के ओएस की तरह देखने को मिलती है, और काफ़ी यूनिक और ब्यूटीफुल जो फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं सारे यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहे हैं। 120 हर्ट्ज पे और 160 हर्ट्ज पे आप अपने मोबाइल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे वर्किंग सिक्योरिटी के मिलते हैं, और रैम मैनेजमेंट भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो आइकॉन है वो भी आपको इसमें चेंज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लुक प्रोवाइड करता है, वो इस तरह से इसकी लेआउट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके जो MIUI या हाइप्रोस डिवाइस है वो OS है उनसे काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट है। अब और यहाँ पे जितने भी आपको फीचर्स हैं ये लैग फ्री यहाँ पे रोम है और बग फ्री रोम है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे वैंस आपको ऑप्शन मिल जाती है, यूट्यूब वैंस यहाँ पे प्री इंस्टॉल है, आपको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। कैमरा की अगर बात करें तो कैमरा भी आपको इसमें जो वीवो का IQ ओरिजिन OS है वो वाला यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लेकिन ये कैमरा अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम रिसेंट से, लेकिन कैमरा जो है कैमरे का ये बग है, कैमरा यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप जो अल्टरनेट कोई कैमरा है वो जो हम पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने अभी रिसेंट से ख़त्म किया, तो यहाँ पे जो कैमरा है वो भी यहाँ पे अब काम कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं मैंने आपको बताए सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो रिसेंट मेन्यू आपको कुछ इस तरह से लुक प्रोवाइड करता है, और इस तरह से कुछ इसकी आपको लेआउट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे डायलर जो ऐप है वो आपको यहाँ पे डायलर ऐप वो वीवो की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाती है विदाउट अनाउंसमेंट के। तो यहाँ पे जो मैसेजिंग ऐप है वो भी आपको यहाँ पे वीवो की देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस रोम को आपने कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने TWRP कस्टम रिकवरी में जाना है। अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना है TWRP को तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अपने मोबाइल को पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप और पावर का बटन आपने कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस किए रखना है। जैसे ही आपको मोबाइल का लोगो शो हो तो आपने बटन को रिलीज़ कर देना है, तो फिर हमारा जो मोबाइल है वो TWRP कस्टम रिकवरी में बूट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो रीबूट हो चुका है और TWRP रिकवरी में यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो रीबूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिकवरी है वो उसमें हम आ चुके हैं। तो अब आपने सिंपली अपने मोबाइल को एक बार वाइप कर देना है, इसके जो पार्टीशन हैं उसको वाइप करने के बाद इस प्रोसेस को आपने 2-3 बार जो है रिपीट करना है और फिर आपने इसको रोम को इंस्टॉल कर लेना है। रोम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने वाइप दोबारा कर दिया, 2 बार यहाँ पे वाइप हमने कर दिया है। तब आपने इंस्टॉल पे जाना है और यहाँ पे जो डाउनलोड रोम है वीवो की, यहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट करके इसको स्वाइप टू राइट कर देना है। तो इससे जो आपकी जो वीवो की OS है, वीवो ओरिजिनल OS है, वो आपके पोको X3 NFC डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपने सिंपली अपने मोबाइल को एक बार फॉर्मेट करके इसको रीबूट सिस्टम कर देना है। तो फिर आप देखेंगे जो वीवो के यहाँ पे OS है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।